अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। तेरी मैं दीवानी हो गई। फाइल किस लड़के के साथ खड़ी है? दीदू, दीदू सुनिए। पायल पार्थ से बिना मिले चली गई। वो पार्थ किसी जानलेवा लड़ाई में सब देखने भेजना चाहिए। एक, दो, उठिए पार्थ, प्लीज प्लीज आगे खोलिए, खाना जी कुछ करिए, पार्थ आगे खोलिए, पार्थ प्लीज उठिए, प्लीज खाना जी, हम क्या करें? अरे ये क्या करें, काश किसी तरह यह फाइल को ला पाते। फाइल, इसका मतलब फाइल का नाम लेने से पायल, 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 आगे की फाइट लड़ने के लिए तैयार हो? पहले अपनी हालत देखो। अब लड़ेंगे। लगता है तुम्हें मरने का बहुत शौक है। अभी हम जिंदा हैं, पर हम जीतेंगे भी। पायल की खुशी के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। हमने अभी तक यह सुना था कि प्यार में लोग कुछ भी कर सकते हैं, पर ये आज अपनी आंखों से होता हुआ देख रहे हैं। Fire! 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 Fire
लो जीत गया आपका पार्थ, अब चलिए जल्दी दीदू। प्यार में बहुत ताकत है, ये तो आज की शाम का हीरो बन गया। समझ में नहीं आ रहा लड़का जीत कैसे गया। भाई लोगों को यकीन नहीं हो रहा है, इतनी चोट खाने के बाद भी ये मुकाबला जीत कैसे गए। वैसे पार्थ भाई वो लग तो बहुत गई है। अरे तुम चिंता मत करो, पायल की मुस्कान ही ना हमारी दवा है, इसलिए एक बार देख लेंगे तो ठीक हो जाएंगे। हाँ चलो चलते। ओ भाई सॉरी सॉरी भाई, इस पर कहाँ, हमारे साथ हमारी बाइक पर चलो भाई, हालत अच्छी नहीं है। एक मिनट, हमें पायल से मिलने के लिए जाना है, और वैसे भी ये दुपट्टा ना ऊपर वाले का आशीर्वाद है हमें, और जब तक ये दुपट्टा हमारे साथ है ना ऊपर वाले का हाथ हमारे सर पर है, हमें कुछ नहीं होगा, हम जानते हैं। ठीक है फिक्र मत करो, और हमें जगह दो भाई। पक्का ना? अरे पक्का पक्का, और हमने ये ट्रॉफी बैग में रख दी है। चल भाई चले। दीदू अब क्या अपने साइकिल पर बैठा कर घर छोड़ेंगे, चलिए अभी। कितनी चोट लगी है ना पार्थ को, बहुत दर्द हो रहा होगा। अदमोल को शादी का बहुत शौक है, तो आज मैं इसकी शादी करवाऊंगी। पहले पुराना मंगलसूत्र टूटेगा फिर नया सजेगा। माता रानी मदद कीजिए। ये एपिसोड देखिए YouTube पर शाम 7:30 बजे। दीदू अब हम घर नहीं गए ना तो मम्मी हमारा ऐसा कान खींचेंगी, जैसे पार्थ को दर्द हो रहा है ना वैसे हमारा भी शुरू हो जाएगा। चलिए की क्या जरूरत थी पार्थ, इसे पागलपन कहते हैं। प्रिया हमारे हाथ में सिर्फ स्याही नहीं है, हमारे प्यार का सबूत। इतना महंगा फोन, इतने सारे पैसे, अब वैसे हम तुमसे पूछना भूल गए, तुम्हारा बिजनेस किस चीज का? ज्यादा कुछ नहीं है, हमारा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है। कभी दिल्ली, कभी मुंबई, कभी बनारस, कभी लखनऊ, और कुछ नई जगहों पे भी ऑफिस खोला है अभी। और घर का खिलौता भी हूँ ना, तो सारी जिम्मेदारी यू नो मुझ पर ही है। वाओ इम्प्रेस्ड, मतलब बड़े लोग बड़ी बातें। नाइस। अच्छा अब तुम यहाँ प्रयागराज में रहते कहाँ हो? एक्चुअली अभी यू नो मैं अभी एक बिजनेस के लिए आया हूँ, तो होटल जे में रुका हूँ। हमारा मतलब है कि वो जो यहाँ का सबसे महंगा होटल है वहाँ ना? क्या बात है, 5-star घर, मजा आ गया। ऐसा कुछ नहीं है। बाय द वे तुम्हारे डिनर का क्या प्लान है आज? हाँ अब डिनर अभी तक तो कुछ भी नहीं, मतलब ठीक है आज हम दोनों साथ में डिनर करते हैं, मैं भी टेबल बुक करता हूँ।
बहुत बढ़िया पायल, काफी पैसे वाला बंदा मिला है और उस पार्ट से तो बहुत बेहतर। मम्मी गुस्सा करेंगी, जल्दी चलो। हाँ दीदू। पास के मेडिकल स्टोर से जाके दवाई लेके आओ, जल्दी जाओ। तुम ये क्या कर रही हो? और पायल कहाँ है? हाँ पार्थ, क्या हुआ? तुम ठीक हो? हाँ ये सब कैसे हुआ? तुम ठीक हो ना? हाँ भाई, हम ठीक है, हम ठीक है भाई। ठीक है, चल तू घर चल, बाइक आ जाएगी। चल चलिए, हम आपको भी घर छोड़ देते हैं। नहीं नहीं, हम चले जाएंगे। पक्का? थैंक यू। दिखाइए मुझे ये क्या हुआ। कुछ नहीं, चलो घर चलो। चलो दीदू, मम्मी को बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए, वरना वो आपकी फिर से डांट लगाएंगी। आप दिखाइए। ये चोट कैसे लगी हाथ में? आओ अंदर आओ, चलो। अरे कहाँ लग गई ये चोट? बैठो एक मिनट। नहीं पापा, वो
ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, वो हम हमारी साइकिल फिसल गई थी। अच्छा, साइकिल फिसल गई थी या तुम्हारी जुबान फिसल रही है? पनवाड़ी की बेटी ने ये वीडियो भेजी है, जरा देखिए अपनी बेटी की करतूते। झूठ तो जीप पे रखा है जैसे इस लड़की के, देखो। शर्म कहीं की? मम्मी चुप। छाया, पागल हो गई तुम? हाँ? जो बात समझाने से सुलझ सकती है तो थप्पड़ की क्या जरूरत? अच्छा, इसे इतना नीचे गिरने की इजाजत है लेकिन हम इस पे हाथ भी नहीं उठाएं। जानती हो, लड़की का चरित्र वो कपड़ा होता है जिस पे एक बार दाग लग गया ना तो वो जिंदगी भर नहीं धुलता, और तुम्हारी यही हरकतें रही ना तो पूरे शहर में चर्चा का विषय बनते देर नहीं लगेगी तुम्हें। वो सड़क पे अकेले खून में लथपथ पड़े हुए थे और कोई नहीं था उनकी मदद करने, ऐसी हालत में उन्हें अकेला छोड़कर कैसे आ सकते थे? संस्था खोली है तुमने सबकी मदद करने के लिए? क्या मुख्यमंत्री ने ऐसे गुंडे बवालियों की बर्फ पट्टी करने का काम सौंपा है तुम्हें? मम्मी पापा, आप लोगों ने तो सिखाया ना कि मदद इंसान देखकर नहीं उसके हालात को देखकर करनी चाहिए। उसे इस वक्त हमारी जरूरत थी इसलिए हमने मदद की, और आप बताइए अगर हम उस हालत में होते तो क्या आप हमारी मदद नहीं करती? तुम हमारी बेटी हो, वो गुंडा हमारा कोई नहीं लगता। इधर आओ। खाओ कसम कि आज के बाद तुम उस लड़के से कभी नहीं मिलोगी। हमारे बेटे की रक्षा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। माँ, आप रो क्यों रही हैं? माँ, आपने ना शेर को जन्म दिया है और शेरों को दर्द नहीं होता है, लेकिन अपनी माँ को रोता हुआ देख के ना शेर को तकलीफ जरूर होती है। और वैसे भी आपको परवाह करनी है ना, गर्व भैया की कीजिए, इन छोटी मोटी चोटों से हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। बना लो हमारा मजाक। मजाक मजाक बाद में बनाना, पहले ये हल्दी वाला दूध पी लो। नहीं दादी, दूध नहीं पियेंगे हम। पीना पड़ेगा। नहीं माँ, नहीं। करो करो, और सेवा करो इनकी, और मेवा खिलाओ। इनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, बिगड़ता उनका है जिन्होंने कुछ बनाया हो, जैसे हमने अपनी इज्जत बनाई है, जैसे ये रोज मिट्टी पलीत करते रहते हैं। पापा, आपको एक बात बताएं, हमने खिलाड़ी हैं और हमें ये सिखाया जाता है कि किसी भी चीज का श्रेय अकेले मत लो, पूरी टीम को दो। और वैसे ही आपकी इज्जत डुबोने में हमारा अकेले का योगदान नहीं है, बल्कि फूड इंस्पेक्टर को रिश्वत देके थोड़ी बहुत इज्जत तो आपने भी डुबोई है अपनी। हमसे सवाल ना करो। खाओ कसम कि आज के बाद तुम उस गुंडे से कभी नहीं मिलोगी। नहीं, हम भगवान के सामने ये छुट्टी कसम नहीं खा सकते। मम्मी, आप जो कहेंगे हम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन प्लीज अभी हमें यहां से जाने दीजिए।
देखा कितनी चालाक हो गई है, दुनिया भर की बातें करके गई लेकिन इसने कसम नहीं खाई। इसने कसम खाई हुई है हमें रोज नीचा दिखाने की। अब शांत हो जाइए ना, जरूर हमारे घर को ना किसी की नजर लग गई है। हाँ। तो यहाँ खड़ा हो। इस नमक से इनकी नजर मत उतारो, ये नमक जो है ना इनके घाव पे रगड़ो। हो सकता है कि शायद अकल ठिकाने आ जाए। पार्थ, अम्मा जी। पार्थ, पार्थ छोड़ो, मम्मी का हाथ छोड़ो। पार्थ छोड़। आपका अरमान पूरा। ये नमक तो यूं ही बदनाम है पापा। नमक से ज्यादा जलन ना हमारे जख्मों को आपकी बातें देती है। अब तो मम्मी ने आपको देखने तक से मना कर दिया है। मम्मी की बात को ना मानते हुए बुरा भी लग रहा है, लेकिन क्या करें, दीवानगी में इतनी चीटिंग तो चलती है ना। पार्थ पायल के लिए इतनी मार खा रहे थे और वो किसी और लड़की के साथ चली गई। पार्थ पायल जैसी लड़की डिजर्व नहीं करते। पायल की खुशियों के आगे ना हमारा कोई दर्द मायने नहीं रखता। पार्थ को पायल का सच पता चला तो पता नहीं वो क्या कर बैठेंगे।